हाय नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप विद मनीषा। तो आज की वीडियो में होने वाला है एक ट्रिक वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेहंदी लगाते समय उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते होंगे। मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसे ऐड की हैं जिसमें से पहले से ही कुछ लोग इसको यूज़ करते होंगे, पर जो नहीं यूज़ करते हैं, जो अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं, सिंगल मेहंदी लगा लेते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनको आज मैं बताऊँगी कि आप अपने बालों को नेचुरल बर्गंडी कलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं, अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए उसमें मेहंदी लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं जो आपके बाल में चार चांद साइन में लगा देंगे। आपके बाल काफ़ी हेल्दी तो होंगे ही मेहंदी लगाने से, साथ ही साथ आपको एक बेटर कलर रिजल्ट मिलेगा। जो इंग्रेडिएंट मैंने आज यूज़ किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो अगर आपका बाल रूखा है, साइन नहीं करता, और नेचुरल कलर अगर आप चाहते हैं, कोई कलर नहीं करना चाहते, अगर आप किसी ब्रांड के कलर के साथ नहीं जाना चाहते, तो आप ये वीडियो एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मेक श्योर अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, या फिर थोड़ा भी अच्छा लगे, या फिर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये आपके ऊपर है, आपको पसंद आए तो करिए, ना पसंद आए तो प्लीज़ मत करिएगा, पर इसे एक बार लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, या फिर बहुत लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानते हैं उसके लिए बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो ये ट्रिक जरूर अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे। तो आई होप ये आप सबको भी काफ़ी पसंद आए और हेल्पफुल रहे। तो मैं कैसे इसकी पेस्ट बनाती हूँ मेहंदी की, और कैसे अप्लाई करती हूँ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर हो जाएगा तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, अगर लंबा होगा ही, क्योंकि इसमें सारे प्रोसेस मैंने ऐड किए हैं, पेस्ट बनाना, अप्लाई करना, और उसको कैसे रखना है, अप्लाई करने के बाद वॉश कब करना है, और वॉश करने के बाद इस बालों में क्या करना है, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में। सारी डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो पर्सनली आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके बनाई है, क्योंकि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने सोचा कि अरे यार, मेहंदी आजकल तो सब कोई लगा रहे हैं, पर लेकिन मेहंदी में क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए और किस वजह से ऐड करना चाहिए, ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो मैंने सोचा मैं कर दी हूँ, क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इसके बारे में जानो और अपने बालों पे अप्लाई करो और इसके फ़ायदे उठा सको आप लोग भी। तो मैंने खास करके आप लोग के लिए ये वीडियो और मेहंदी से रिलेटेड बनाया है, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने इस पेस्ट को बनाया है। ओके, तो मैं ये हिना पेस्ट बनाने के लिए रही हूँ। ये नूपुर हिना 100% प्योर हिना है, मैं यही यूज़ करती हूँ। आप अपने पसंद की चाहे जो भी हिना पेस्ट पाउडर ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं लेती हूँ ये हिना, और ये 25 ग्राम का पैक है, और मुझे चाहिए दही। आप घर से भर के बने दही, या फिर मार्केट के लिए दही भी, मार्केट से लाए हुए दही भी ले सकते हैं। और इसके बाद मुझे चाहिए लेमन, और मेन टॉप ऑफ द सीक्रेट चीज़ ये है बीट रूट जूस। चुकंदर का रस मैंने निकाला है, मैंने एक बड़ा सा चुकंदर लेके उसको कद्दूकस कर लिया और उसको निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल के मैंने ये जूस निकाला है। और ये है ठंडा है, और इसके साथ मैं मिक्स करूँगी। अगर ये मुझे कम पड़ा तो मैं गरम, लाइक थोड़ा सा गरम पानी यूज़ करूँगी, और अगर इतने से मेरा हो जाता है तो मैं गरम पानी यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा गरम पानी मिला सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इतना ही ठीक है। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करने के लिए मैं लूँगी ये है लोहे का तवा। बहुत सारे लोग इसको स्टील के बाउल, प्लास्टिक बाउल, और ग्लास के बाउल में मिक्स करते हैं। मैं इसको ज़्यादातर लोहे के बर्तन में इसको मिक्स करके लगाती हूँ। दादी, फुआ, मौसी, नानी, पुरानी जो जितने भी थी, सबका ये कहना है कि आयरन ना एक मेहंदी को इसमें, मतलब लोहे के बर्तन में मिलाने से आयरन एक अपना जो भी हो, एक अपना गुण इसमें मेहंदी में ऐड हो जाता है, जो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं आज इस लोहे के बर्तन में अपनी मेहंदी को मिक्स करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसको मिक्स करते हैं। तो अब पाउडर का पेस्ट बनाती हूँ मैं। तो ये रहा हिना पाउडर, और ये रहा दही। मैं सारा दही यूज़ करने वाली हूँ,
ये तो मुझे लग रहा है कम ही पड़ेगा। आपके पास और तो आप और ले सकते हैं, मेरे पास इतना ही दही था। और अब इसमें यूज़ करूँगी हाफ लेमन, इसको मैं सारा अच्छे से निचोड़ दूँगी लेमन को। इसमें लेमन से ना आपका बाल सिल्की होता है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती। यू नो सभी बोलते हैं कि अगर सर में डैंड्रफ है तो लेमन यूज़ करो, दही यूज़ करो। एक्चुअली मेरे बालों में डैंड्रफ है इसलिए मैं इसको इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर डैंड्रफ नहीं है फिर भी आप इसको यूज़ करिए, दही से आपके बाल नरिश हो जाएंगे, पोषण मिलेगा आपके बालों को, और लेमन से आपका जो भी गंदगी होगा वो साफ हो जाएगा और आपके बाल में ना साइन आता है। अगर आप सिंगल से सिर्फ नींबू यूज़ करते हैं बालों में, लेमन ही सिर्फ आप यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा आपका बाल कितना सिल्की हो गया है, बहुत स्मूथ इफेक्ट होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बालों में मैं अगर सिर्फ लगाती हूँ नींबू तो लगेगा जैसे मैंने कोई हेयर सीरम लगाया है या कंडीशनर यूज़ किया है, उस तरीके का एकदम सिल्की हो जाता है मेरा बाल। तो नींबू काफ़ी अच्छा है बाल के लिए, ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो यूज़ करती हूँ हमेशा, यू नो फेस पे भी यूज़ करती हूँ। अब इसको हम यूज़ करेंगे इसमें ये बीट रूट का जूस, इससे आपके बालों में ना बहुत अच्छा बर्गंडी कलर आने वाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे, जितने भी गुठलियाँ होती है इसकी यू नो बबल्स बनते हैं सारे को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लग तो नहीं रहा है कि इसमें और जूस डालने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी है टेस्ट में। बट इसको मैं थोड़ा सा थिन ही रखूँगी क्योंकि ये सुबह में जब इसको यूज़ करने के लिए रेडी करूँगी तब ये थोड़ा हो गया रहेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, सॉरी फॉर दी कैमरा प्रॉब्लम, काफ़ी हिल रहा है मेरा वीडियो क्योंकि मैं फ़ोन हाथ में ले रखी हूँ, इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। थोड़ा सा और, मेरे थोड़े लॉन्ग हेयर हैं तो चाहती हूँ मेरे पूरे बाल में ये अप्लाई हो जाए। चलिए अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ और सुबह मिलती हूँ आपसे, देखते हैं सुबह में इसका क्या हाल रहता है। ओके 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 ठीक है, अब सुबह में मिलते हैं मेहंदी के पेस्ट के साथ। तो सुबह हो गई है और सुबह में कुछ इस तरीके का कलर आया है मेहंदी में, यू नो लोहे ने अपना कलर छोड़ा है और ये ब्लैकिश ब्लैकिश हो गया है। अब इसे मैं अपने बालों पे अप्लाई करूँगी। तो अब मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ। आप बालों पे मेहंदी लगाने से पहले कोई पुराने कपड़े डाल लीजिए क्योंकि कपड़ों में मेहंदी के दाग लगेंगे तो जल्दी जाएंगे नहीं। तो आइए इसको लगाते हैं, आप चाहे तो हाथ में ग्लव्स लगा सकते हैं अवेयरनेस के लिए, बट मेरे हाथ में पहले से मेहंदी लगी हुई है इसलिए मैं ग्लव्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने काफ़ी समय पहले बाल में हाईलाइट करवाया था, करीबन 1.5 साल पहले, और ये मेरा थोड़ा बहुत हाईलाइट का टेक्सचर है। और हाईलाइट कराने के कुछ दिन बाद मैं बालों पे मेहंदी लगाना शुरू कर दी, मेहंदी का ये कलर है, रेड मेहंदी हो गया था और हाईलाइट दोनों मिलके ये कलर हो गया। और फाइनली फिर से मैं बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, तो लगाने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा टेक्सचर है। पहले मैं इसको ऐसे ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, थोड़ा पतला हो गया, आप रूट से लगाइएगा, इसमें सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिला है, बालों को आपको नरिश करेगा, कर्ल साइन देगा लेमन। तो चलिए मैं पूरा अप्लाई करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है और इसको मैं रखूँगी 4 घंटे तक, 4 घंटे के बाद इसको वॉश करूँगी। तो 4 घंटे सुखाने के बाद देखती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को इसका टेक्स्चर और कलर कैसा आया है। तो मिलते हैं 4 घंटे मेहंदी सुखाने के बाद। तो मैंने अपना मेहंदी वॉश कर लिया है, 4 घंटा रखने के बाद मैंने अपनी मेहंदी को वॉश कर लिया है। अब बारी आती है ऑयलिंग की, अगर आप मेहंदी लगा रहे हो तो मेहंदी धोने के बाद आप डायरेक्ट शैम्पू मत करिएगा, आप सादे पानी से अपने बाल को धोइए नॉर्मल वाटर से,
और उसके बाद आप अपने बाल को सुखाइए और उसमें ऑयलिंग करिए। आप चाहे तो आप जो ऑयल यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो रेगुलर हेयर ऑयल है वो यूज़ करिए। और मेरा सजेशन है आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए। मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, ये रहा मेरा मस्टर्ड ऑयल और मैं यही यूज़ करती हूँ। ऐसे रेगुलर डे में भी मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में तेल लगाती हूँ, ये आपके बालों के कलर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बाल में कलर किए हो और आप इसको डायरेक्ट शैम्पू या कंडीशनर अप्लाई कर लोगे तो फिर तो वो कलर निकल जाएगा, तो आपके बालों में तो कोई कलर रहेगा नहीं। इसको प्रोटेक्टर कोई लेयर कोट उस पर होगा नहीं, तो वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसीलिए इसको कोट करना ज़रूरी है, और आप इसको ऑयलिंग करके कोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बाल के कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसको अच्छे से ऑयल कर लेंगे अपने बाल में इस तरह से, बाल को पार्टीशन करके। और मैं ऐसे लेती हूँ फिंगर में और अपने रूट टू टॉप पूरे हेयर में अप्लाई कर लूँगी। ये करना ज़रूरी है। आप इसको ऑयलिंग करके ओवरनाइट छोड़ दीजिए और फिर नेक्स्ट डे आप इसको शैम्पू कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप कंडीशनर शैम्पू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे बालों में कंडीशनर की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने इसमें नींबू ऐड किया था जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी सिल्की हो गए हैं। तो मैं कंडीशनर तो यूज़ नहीं करने वाली हूँ, हाँ कल शैम्पू से ज़रूर वॉश कर लूँगी। तो इसको वॉश करने के बाद धूप में इसका ओरिजिनल कलर इफेक्ट देगा आपको। असली जो इसका कलर इफेक्ट आया है वो धूप में साइन करेगा। तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगी कि मेरे बाल में कैसे कलर आया है और कौन सा कलर इफेक्ट दे रहा है। तो मैं आपको धूप में जाके दिखाऊंगी। यू नो, अब आप मेरे हेयर कलर देख सकते हो, मैंने वॉश कर लिया है। दिखाती हूँ, ये देखो आप कलर इस तरीके का कलर आएगा आपके बालों में। ये देखो, तो ये था मेरे बालों का कलर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए, जरूर एक बार अप्लाई करिए इस तरीके का पेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।